नमस्कार, न्यूज़ NCR में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रताप चौधरी। आज हम पलवल क्षेत्र के वार्ड नंबर 23 में हम पहुंचे हैं। हमारे साथ मोहित गोयल जी हैं, जो कि बहुत ही यंग डायनामिक पर्सनालिटी हैं। और ऐसा कहा जाता है कि जब यहां पार्षद के चुनाव हुए थे तो पूरे हरियाणा में एक ऐसे पार्षद बने थे जो कि बहुत कम उम्र के थे, यानी कि पूरे हरियाणा में सबसे छोटी उम्र के पार्षद मोहित गोयल जी पलवल के वार्ड नंबर 23 से चुनकर आपके बीच में आए थे। तो आज हम उनसे कुछ आने वाले चुनावों के लिए, और जैसे कि चेयरमैनी के चुनाव भी आ रहे हैं, जिला परिषद और पार्षद के चुनाव आ रहे हैं, नज़दीक हैं, तो आज हम उन सब चीज़ों पर उनसे चर्चा करेंगे। तो बात करते हैं मोहित गोयल जी से। मोहित जी नमस्कार। नमस्कार जी। सर, कहा जाता है कि जब चुनाव हुए थे पार्षद के, तो उस समय जब आप जीत कर अपने क्षेत्र में आए, तो उस समय के आप सबसे पहले ऐसे पार्षद थे जो कि बहुत युवा और यंग थे। 22-23 साल की आपकी उम्र थी तब। तो कैसा लगता है आपको कि इतनी यंग एज में और पहली बार चुनाव लड़ा, और आपकी परिवार में राजनीतिक कोई परिपेक्ष नहीं था, तो कैसा आपको महसूस होता है? देखिए, मैंने जब चुनाव लड़ा जी, मेरे पिताजी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से 1977 से जी, और भारतीय जनता पार्टी से 1980 से जुड़े हुए हैं जी। वो संगठन में विभिन्न पदों पर रहे और आज तक उसी संगठन में काम कर रहे हैं जी। परंतु मेरे पिताजी ने कोई चुनाव नहीं लड़ा। लोगों का प्यार वास्तव में जब 2014 में सरकार बनी, सरकार बनने के बाद मैंने अपने वार्ड में काम कराने शुरू किए, लोगों का अटूट प्यार, वास्तव में मैं अगर कहूं, मैं दिल की गहराइयों से वार्ड की जनता का आभार व्यक्त करता हूं, जो उन्होंने मेरे ऊपर विश्वास जताया। और मैं वार्ड की जनता का जितना धन्यवाद करूं, वास्तव में उतना कम है जी। क्योंकि जिस उम्र में हर आदमी अपनी जॉब के लिए कोशिश करता है, आगे पढ़ाई के लिए कोशिश के लिए, रोजगार के लिए कोशिश करता है, उस समय लोगों ने मेरे को सेवा का मौका दिया जी। और मैंने अपनी तरफ से पूर्ण प्रयास किया, जितना मैंने कर सकता था मैंने अपनी तरफ से अपनी वार्ड की जनता को कहीं कोई निराशा नहीं होने दी। तो आपका, आप जैसे चुनाव लड़े, चुनाव से पहले आपका ऐसा कोई वो था कि भाई आपको आगे चुनाव लड़ना है, तो समाज में कि इससे पहले भी आप लोगों की सेवा करते रहे, तो किस तरह का आपका चुनाव से पहले का जीवन किस तरह से रहा शिक्षा के बाद? देखिए, मैं भी बाल्यकाल से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़ा हुआ हूँ जी। तो हमने भारतीय जनता पार्टी में, जब हमारे पिताजी 1980 से जुड़े, तो उसके बाद हमने हमेशा से, पहले मेरे पिताजी ने और आज तक भी पार्टी को माँ की तरह पूजा है और माँ की तरह, बच्चे की तरह उसकी सेवा कर रहे हैं जी। और मेरे अंदर शुरू से ही सेवा भाव था। मेरा अपना मानना यह है कि अगर जनता ने हमारे ऊपर कोई विश्वास दिया है, अगर हमें कहीं सेवा का मौका दिया है, तो हम उस पर खरे उतरे, ये हमारा कर्तव्य भी बनता है जी, जी। उसी चीज को सोचते हुए मैंने आगे बढ़ा। जनता ने मेरे ऊपर आशीर्वाद, मुझे आशीर्वाद दिया और मुझे पार्षद बनाया। आप विश्वास करना, पूरे 4.5 साल आज हमें लगभग बने हो चुका है। आज तक कोई आदमी ये नहीं कह सकता कि मोहित ने मेरा फोन नहीं उठाया जी। जी, बाई चांस कोई अगर ऐसी स्थिति होती है कि जिस अगर मैं फोन नहीं उठा पाता, तो उसको कॉल बैक ना गया हो, ऐसा आज तक कोई नहीं कह सकता जी। जी, जब मैं पार्षद बना ना जी, तो उस दौरान एक भारी समस्या थी, और वो समस्या ये थी कि हमारा वार्ड शहर में होते हुए भी शहर में नहीं था जी। मेरे को ये कहते हुए बड़ी गिलानी सी महसूस होती है कि ये शहर के पुराने वार्डों में से एक आता है, जिसमें पीने के पानी की भरपूर समस्या थी जी। कई बार लोग यहाँ पार्षद बनते रहे और झूठी सच्ची राजनीति करते रहे, परंतु किसी ने भी विकास की ओर ध्यान नहीं दिया। आज मैं इस चीज के साथ बड़ा गौरवान्वित महसूस करता हूं कि आज मेरे वार्ड में ऐसा कोई जगह नहीं है, ऐसी कोई स्थान नहीं है जहां पर पीने के पानी की व्यवस्था ना हो जी। जिस दिन मैं पार्षद बना, 22 मई 2016 जी, रात को वार्ड में जनता का धन्यवाद कर मैं जब घर पहुंचा, आप विश्वास कीजिएगा, लगभग 2 बज गए मुझे रात को सोने में, और सुबह 5:30 बजे मेरे पास कॉल आती है वार्ड से कि सर मोहित जी, हमारे यहाँ पर पीने का पानी नहीं है, टैंकर भिजवाइए जी।
बिल्कुल नया नया बना था तो ज्यादा जानकारी भी नहीं जानकारी ले पाया नहीं थी, बिल्कुल। परंतु मैंने फिर तुरंत की तुरंत प्राइवेट टैंकर भेजा। शाम को फिर फोन आता है, मैंने कहा ये तो बड़ी भारी समस्या है, आप विश्वास कीजिए उस समस्या का समाधान करने में मुझे लगभग 3 से 4 महीने लगे। 3 से 4 महीने के अंदर उस समस्या का समाधान किया और आज मैं बड़ी खुशी के साथ कहता हूं कि आज मेरे वार्ड में कहीं किसी टैंकर की जरूरत नहीं है। बहुत बढ़िया। 3 से 4 महीने नए समर्सिबल लगवाए जिससे घर घर तक पानी पहुंचता है। मोहित जी, जैसे कि ये तो हम भी मानते हैं और मैं पत्रकार हूं, आप पार्षद हैं, तो मैंने भी आपको आप बहुत मृदुभाषी हैं और मैंने भी जब भी आपको फ़ोन मिलाया है आप हमेशा मुझे अच्छे से ट्रीट करते हैं, तो यह है आपकी बहुत अच्छी छवि है। दूसरा, आप जैसे यंग हैं, यंग पार्षद हैं, तो और जिले में और भी पार्षद हैं यहाँ पर, तो आपको जब आप सदन में जाते हैं, सदन में बोलते हैं, तो एज ए यंग पार्षद और जो आपसे बड़े पार्षद हैं, तो वो आपको एक्सेप्ट करते हैं और आपको उनका सपोर्ट कैसा रहता है अपने साथी पार्षदों का? देखिए, मैं आपको सच बताऊं, हमारे नगर परिषद के सदन में मेरे अलावा 33 पार्षद और हैं जी। 31 तो नॉमिनेटेड, 31 तो इलेक्टेड हैं और 3 नॉमिनेटेड हैं जी, जिनमें चेयरमैन भी है, वाइस चेयरमैन भी है जी। मेरे से सारे के सारे पार्षद बड़े हैं और मैं आपको सच बता रहा हूं कि उन्होंने मुझे अपने छोटे भाई, अपने बच्चे की तरह हमेशा ट्रीट किया जी। अगर कहीं मेरे से कोई भूल चूक में कोई गलती भी होती थी तो वो मुझे बैठकर समझाते थे कि मोहित ऐसे नहीं, ऐसे काम करना जी जी जी। मेरे को अपने पलवल नगर परिषद क्षेत्र के 33 के 33 पार्षदों का बहुत प्यार मिला जी। मैं वास्तव में उनका बहुत बहुत धन्यवादी हूं, जहां मुझे कहीं भी उनकी जरूरत पड़ी वो मुझे हर जगह खड़े पाए। मैं दिल की गहराइयों से उनका भी बहुत बहुत आभार और धन्यवाद व्यक्त करता हूं। जी, बहुत बढ़िया। देखिए, कहते हैं कि एक कॉम्पिटिटर दूसरे कॉम्पिटिटर की इतनी मदद नहीं करता है, लेकिन यह बहुत अच्छी बात है कि आप उन सब के लिए आज धन्यवाद कर रहे हैं, आपको उन सब का सपोर्ट है और मैं तो यही चाहूँगा कि आगे भी आपको उनका सपोर्ट मिलता रहे। दूसरा, मोहित जी, जैसे कि चलिए आप अभी आप पार्षद हैं, दोबारा से फिर से आप तैयारी करेंगे, तो पार्षद लेवल उसके बाद फिर एक चेयरमैन लेवल होता है, तो कहीं ना कहीं आप चेयरमैन बनने की या चेयरमैन की तैयारी करने की इच्छा है आपके मन में? देखिए सर, मैंने भी आपको थोड़ी देर पहले भी बताया जी कि हम पार्टी से जुड़े हुए हैं जी, पार्टी के कार्यकर्ता हैं और पार्टी की सेवा सदैव माँ के रूप में की है जी, और हम उसके बच्चे हैं। जैसा हमें पार्टी आदेश करेगी, जैसा पार्टी का हमारे लिए निर्देश होगा, संगठन का हमारे लिए निर्देश होगा, हम उसकी पालना करेंगे। अगर पार्टी हमें आदेश करती है, निर्देश देती है कि आपको चुनाव लड़ना है, तो हम 100% चेयरमैन का चुनाव लड़ेंगे जी। मोहित जी, देखिए 8-10 महीने से कोरोना का महामारी, ये पेंडेमिक चल रहा है पूरे विश्व भर में, तो आप पार्षद हैं, आपकी बहुत जिम्मेदारी भी बढ़ जाती है ऐसे समय में कि कहता कि अपने क्षेत्र के लोगों को जागरूक करें, उनको समझाएं कि भाई किस तरह से कोरोना से बचाव करना है, तो आपने किस किस तरह के ऐसे स्टेप, उस जब बहुत ज़्यादा पीक टाइम इसका चल रहा था, तो किस तरह से लोगों के साथ में सामंजस्य आपने बिठाया? देखिए, मैं आपको बताता हूँ जी, 22 मार्च 2020 को जनता कर्फ्यू का आह्वान माननीय मोदी जी ने किया, बिल्कुल उससे 2 दिन पहले 20 मार्च 2020 को मैंने अपने वार्ड के जहां जहां तक पहुंच सकता था हर घर तक मास्क पहुंचाने की प्रयास किया जी, घर घर तक मैंने मास्क पहुंचवाए। उसके बाद जब लॉकडाउन का समय शुरू हुआ, देखिए मुझे कहना नहीं चाहिए, माननीय विधायक श्री दीपक मंगला जी, चौधरी कृष्णपाल गुर्जर जी, माननीय सांसद जी, अपने पलवल के मंडल अध्यक्ष माननीय सुरेंद्र सिंगला जी, उदयमान जी, इनका विशेष मुझे सहयोग मिला और हमने एक यहाँ रोटी बैंक की स्थापना की। बहुत बढ़िया। उसके माध्यम से हमने लगभग 1.5-2 महीने तक लोगों को निशुल्क खाना उपलब्ध कराया जी। सूखा राशन सरकार की तरफ से आया, इसमें कोई दोराय नहीं जी। उसके साथ साथ जो हमसे बन सकता था, जितनी हमारी कैपेसिटी थी, हमने उससे भी ज्यादा आगे बढ़कर लोगों की सेवा करने का प्रयास किया जी। और मैं आपको खुशी के साथ इस बात को बताना चाहता हूं कि मेरे वार्ड के लोगों ने
मुझे पूरा सहयोग दिया, जिसको वास्तव में जरूरत थी उसी ने मेरे से सूखा राशन लिया, उसके अलावा किसी अगर किसी के पास मैं पहुंच भी जाता था उसने कहा भाई साहब जिसको जरूरत है उसको उसको दीजिए। जी बहुत बढ़िया बात है सर, ये तो आपकी व्यवहारिकता है लोगों के साथ, नहीं तो कोरोना काल में तो लोगों ने इस तरह से भी किया है कि वो स्टॉक करने लग गए थे भोजन को, सूखे राशन को, तो ये आपकी उनकी आपकी और उनकी व्यवहारिकता अच्छी है कि आपने उनके साथ सामंजस्य इस तरह से बिठाया। दूसरा मैं मोहित जी चाहूँगा कि आप हमारे चैनल के माध्यम से अगर आप अपने क्षेत्रवासियों को कोई अपील करना चाहते हैं और कोई संदेश देना चाहते हैं तो वो आप। सबसे पहले सर आप सब यहाँ आए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, और मैं आपके चैनल के माध्यम से अपनी क्षेत्र की जनता से आह्वान करना चाहता हूँ कि आज का जो समय है, देखिए जो मार्च अप्रैल मई जून का समय था वो कोरोना से ग्रस्त था, परंतु आज वास्तव में कोरोना बड़ा भयंकर रूप ले चुका है जी। आज नहीं पता कि कौन व्यक्ति कोरोना से संक्रमित है और कौन नहीं नहीं है, ठीक बात। हमें सावधानी रखनी होगी, सभी को सावधानी रखनी होगी। जो व्यक्ति कोरोना से संक्रमित हैं और जो कोरोना से ठीक हो चुके हैं, मेरा उनसे भी आह्वान है कि वो ज्यादा से ज्यादा प्लाज्मा डोनेट करें, जिससे कि जो संक्रमित हैं वो जल्द से जल्द ठीक होकर हम सबके बीच में आ सकें। ये सभी हमारे ही भाई हैं, हमारे ही दोस्त हैं, हमारे ही अपने पारिवारिक लोग हैं जी। अगर हम इनकी मदद करने के लिए हम आगे नहीं आएंगे तो कोई आगे नहीं आएगा। शुरुआत हमें खुद से करनी होगी, जब ही हम आगे किसी के साथ दे जी, सकते हैं जी। जी तो ये थे हमारे साथ मोहित गोयल जी, जो कि वार्ड नंबर 23 के पार्षद पलवल से हैं और बहुत ही शालीन और स्वभाव के और बहुत मृदुभाषी हैं, और जनता के बीच और अपने क्षेत्रवासियों के साथ में इनका बहुत अच्छा कोऑर्डिनेशन रहता है हमेशा, और हम यही दुआ करेंगे और यही हम इनको शुभकामनाएं देंगे कि आगे भी इसी तरह से इनके क्षेत्र की जनता इनको आशीर्वाद दे और दोबारा से जिताकर अपने बीच में लेकर आए।